हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो आइसक्रीम की रेसिपी। ये बहुत ही टेम्पटिंग दिखने वाली आइसक्रीम हम बनाएंगे मिनटों में, वो भी बगैर गैस जलाए, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आता है बेल आइकन, जिसे आप ऑल कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस ओरियो आइसक्रीम को हम बनाएंगे ओरियो कुकीज़ के साथ। तो इस सॉफ्ट वाली आइसक्रीम के अंदर जो ओरियो के कुकीज़ के क्रंच है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस आइसक्रीम को बनाना। तो यहाँ ले रही हूँ मैं ओरियो बिस्किट के 10 रुपीज़ वाले 2 पैकेट, जिसे हम इस तरह से ओपन कर कुकीज़ को निकाल लेंगे। इसके अंदर से हमें इन ओरियो बिस्किट्स को अच्छे से क्रश कर लेना है। तो इन्हें क्रश करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ इस तरह की प्लास्टिक शीट, इस तरह की जिप लॉक वाली बैग है प्लास्टिक की, जिसके अंदर हम डालेंगे सारे कुकीज़ को। अगर आपके पास इस तरह की बैग ना हो तो आप मिक्सर के जार में भी ये कर सकते हो। यहाँ मैं ले रही हूँ एक रोलर, और उससे हम इसे इस तरह से क्रश करेंगे प्रेस कर। अगर आप इस तरह से ना करना चाहो तो मिक्सर में भी आप इसे कर सकते हो, पर याद रखिए हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे सिर्फ हल्का सा क्रश करना है। इस तरह से मैंने इसका क्रश बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए तैयार है हमारा कुकीज़ का क्रश बनकर। ये हमारा फर्स्ट वाला इंग्रेडिएंट्स रेडी है। अब हम चलते हैं अगले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ ले रही हूँ मैं मिठाई मेड, यानी कि कंडेंस मिल्क। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप, यानी 60 ml कंडेंस मिल्क। ये तैयार है हमारा दूसरा वाला इंग्रेडिएंट्स भी। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप व्हिप क्रीम। ये मैंने 240 ml का व्हिप क्रीम का 1 कप लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ट्रॉपोलाइट की व्हिप क्रीम। इस तरह से इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर अच्छी तरह मेल्ट कर हमें इसे लेना है। इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक बड़ा सा बर्तन, इसके अंदर हम डाल देंगे क्रीम को, और अब हम इस तरह बीटर से इसे बीट करेंगे। याद रखिए क्रीम अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, पर आइस क्रिस्टल नहीं होने चाहिए इसके अंदर। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे, इसे अच्छे से थिक वाले पिक्स ना आए तब तक। अगर आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आइसक्रीम फ्रेश क्रीम से भी बहुत बढ़िया बनती है। ये देखिए इस तरह से अच्छे थिक वाले पिक्स आने लग गए हैं। तो अब हम इसे बीट करना बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पूरा कंडेंस मिल्क डाल लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वेनिला एसेंस। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम फिर से इसे बीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। हमें अब ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंडेंस मिल्क हमारे व्हिप क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से व्हिप कर लेंगे। यह अच्छे से व्हिप हो चुका है, अच्छे से क्रीम और कंडेंस मिल्क आपस में मिक्स हो चुका है। तो अब ये तैयार है। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे जो हमने ओरियो कुकीज़ को इस तरह से क्रश कर रखा था, सारे के सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर से मैंने 2 कुकीज़ बचा के रखे हैं गार्निशिंग के लिए। तो अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसके अंदर कुकीज़ डाल देते हैं तो उसके बाद हमें इसे बिल्कुल भी बीट नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ हाथों से स्पैचुला से ही मिक्स करना है। तो ये लीजिए तैयार है हमारी ओरियो कुकीज़ की आइसक्रीम बनकर। तो अब हम कर लेते हैं इसे फटाफट से सेट। तो यहाँ ले रही हूँ मैं इस तरह का एक ट्रे, जिसके अंदर हम इसे सेट करेंगे। आप चाहो तो कोई एयर टाइट कंटेनर में भी इसे सेट कर सकते हो। मैं इसके अंदर डाल लूँगी सारे आइसक्रीम को, और इसे इस तरह से इवनली स्प्रेड कर अच्छे से फैला देंगे हम, ताकि इसे एक फाइन शेप दे सके। इस तरह से अच्छे से फैलाने के बाद हम इसे ऊपर से क्लीन कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूंगी थोड़े से ओरियो कुकीज़ के साथ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 ओरियो कुकीज़ को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट कर, और इसे हम रख देंगे इस तरह से इसके ऊपर, ताकि हमारी ओरियो आइसक्रीम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो ये लीजिए हमारी ओरियो आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम इसे फटाफट से सेट कर देंगे फ्रीजर के अंदर। तो यहाँ ले रही हूँ मैं इस तरह से एक क्लीन रैप, ये आपको डिस्पोजल की शॉप पर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का क्लीन रैप ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक कवर से भी इसे कवर कर सकते हो, या फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। ऐसा करने से आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। अब ये तैयार है हमारी आइसक्रीम फ्रीजर में जाने के लिए। तो अब हम इसे रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में।
तो ये लीजिए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं इसका रैपर निकाल रही हूँ, तो ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे स्कूप आउट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने स्कूपर से इसे निकाल लिया है, ये देखिए आपको मैं निकाल कर बताती हूँ कितना अच्छे से इसके स्कूप निकल रहे हैं, मतलब हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनी है। इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं आए हैं, बहुत ही फ्लफी से हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। इस डिलीशियस सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम को बनाना है ना बिल्कुल आसान, तो आप भी इस आइसक्रीम को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे चॉकलेट सॉस के साथ। तो यहाँ मैंने इसे गार्निशिंग किया है, आप चाहो तो यहाँ पर चॉको चिप्स से भी इसे गार्निशिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम बनकर तैयार है, तो आप भी एक बार इस ओरियो आइसक्रीम को बनाकर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स कर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।